लेकिन आपको लगता है कि हाँ पैसे देने से आपको मिल जाएगा कुछ, तो आप करिए, आपको कोई रोक नहीं। लेकिन कम से कम बिचौली दलालों के चक्कर मत फंसे, ना तो आप कल के दिन कंप्लेन करेंगे मुझे पुलिस को और बताएंगे भाई हमारे इतने इतने पैसे चले गए हैं, इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ, ठीक है। और इनका कहना है कि ऑनलाइन आवेदकों के माध्यम से मेरिट के आधार पर ही भर्ती होगी। देखिए जिले में यहाँ पर 3,039 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन केंद्रों पर पिछले काफ़ी समय से ये भर्तियाँ चल रही हैं। ऐसे में पिछले दिनों इन भर्ती पदों के लिए आदेश भी जारी किए गए थे और यहाँ पर 822 पदों के लिए जो है भर्ती होनी है। 393 कार्यकर्ता, 25 मिनी और 394 हेल्पर बहने हैं। अगस्त से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन हुए थे। जिले में अब तक जो है बड़ी संख्या में आवेदन आए, अधिकतर पदों पर 3 से अधिक आवेदन जो है वही आवेदन का सिलसिला अभी चल रहा है। अब यहाँ पर जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, इनका कहना है कि शासन स्तर से पारदर्शिता के लिए भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। ऑफलाइन में भ्रष्टाचार होता ही होता है, ऑनलाइन में क्या ऐसा तीर उखाड़ ले रहे हैं देखते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन प्रक्रिया है, आवेदन से लेकर मेरिट तक का काम काज ऑनलाइन है। शासन स्तर से इसके लिए वेबसाइट बनाई गई, आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने आवेदन किया तो वेबसाइट पर ही किया होगा। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी और इनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मेरिट है, वो सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो है लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी लिस्ट में जो वरीयता क्रम है वो छांटा जाएगा और ऊपर से जो है चुनी जाएंगी और इसमें जो नियम है उसी नियम का पालन किया जाएगा। सुरेश कुमार हैं जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, इनका कहना है और किसी प्रकार की भ्रष्टाचार, दलाली या फिर इस तरीके से रिश्वतखोरी या अफसरशाही, किसी प्रकार की शिकायतें आती हैं तो ऐसी जो है मामलों को जो है नहीं सुना जाएगा, दबाव नहीं पड़ने दिया जाएगा, ये सब अधिकारी कह रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या इस वैकेंसी में जो उत्तर प्रदेश में चल रही है क्या भ्रष्टाचार होगा इनमें या फिर नहीं होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए कुछ जनपद आपको शॉर्ट में बता देते हैं कहाँ कहाँ फिलहाल जनपद चल रहा है। अलीगढ़ तो हमने बता ही दिया है, बलरामपुर है, देवरिया है, फरुखाबाद है, गोरखपुर है, जालौन है, कासगंज है, कुशीनगर है, और कुशीनगर नहीं माफ़ करना, कौशाम्बी है और खीरी है, मथुरा है, श्रावस्ती, यहाँ पर फिलहाल जो है वैकेंसियाँ चल रही हैं, जल्दी यहाँ पर भी डेट ओवर हो जाएगी, ठीक है। बड़ी बात यहाँ पर है कि भ्रष्टाचार का मामला अभी फिलहाल स्पष्ट तौर पर नहीं आया है। बिचौलियाँ चल रहे हैं अपने अपने स्तर से जो है पावर दिखाने की कोशिश, अपने अपने स्तर से काम बनाने की कोशिश जारी है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगली खबर आपको बता देते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें एक के बाद एक आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, बहुत सारे मित्र जुड़े हैं पर लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग कमेंट में देख रहा हूँ, सभी के कमेंट का आंसर मैं देके जाऊँगा, इसी लगा इसमें जल्दी जल्दी आपको खबरें दे रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आपको मालूम है कि 20 मिनट से ज़्यादा आपके साथ लाइव नहीं जुड़ पाते हैं उस समय की प्रॉब्लम की वजह से। और देखिए जो JMH न्यूज़ चैनल देखते हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि JMH न्यूज़ चैनल पर आप लोग कमेंट मत किया करें, आंगनबाड़ी से जुड़े हुए इसी चैनल पर कमेंट किया करें। इससे क्या होगा, वहाँ पर आपको आंसर नहीं मिल पाते, यहाँ पर लाइव में आंसर मिल जाते, तो यहाँ पर ही आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। जो भी सवाल है, जेन्युइन सवाल है, उसी पर कमेंट करें। और बाकी अगर मैं आंसर दे चुका हूँ कोई आपके आंसर, तो फिर क्वेश्चन मत करें, ठीक है। चलिए एक खबर आपको और बता देते, देखिए यूपी आंगनबाड़ी भर्ती में कुछ उम्मीदवार ऐसे जिनका आवेदन निरस्त हो सकता है। देखिए आवेदन क्यों निरस्त हो सकता है इसको समझिएगा। आवेदन देखिए आपका इसलिए निरस्त हो सकता है, कुछ कंडीशन आपने फॉलो नहीं की होगी, फॉलो नहीं किए होंगे, डेफिनेटली आवेदन निरस्त हो सकता है। इसके लिए समझिए पहले पहले क्या सिचुएशन हो सकती है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बाल विकास पुरस्कार विभाग द्वारा जो भर्ती उत्तर प्रदेश में की जा रही है, इसकी जो है विभिन्न जनपदों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि आवेदन लिए जा चुके हैं और कई जनपदों में आई प्रक्रिया चल रही है। और इसमें देखिए कुछ रूल्स हम आपको बताने वाले हैं, जहाँ जो लोग अभी आवेदन कर रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म में निवास प्रमाण पत्र की कॉपी लगाना अनिवार्य है। जो उम्मीदवार ऐसा नहीं करेंगे उनका आवेदन निरस्त माना जाएगा, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है आवेदन पत्र में उसका उल्लेख अनिवार्य है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कार्यकर्ता के लिए आवेदन किया और उसमें लिखा ही नहीं, तो ये सब नहीं चलने वाला, ठीक है, तो भी आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। ऐसे कई आवेदन जो है निरस्त हुए हैं। और जिस इसके अलावा यदि उम्मीदवार ग्राम पंचायत की मूल निवासी नहीं और हाल ही में वहाँ रहना शुरू किया है, तो ऐसे में ग्राम प्रधान से निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा और आवेदन फॉर्म में लगाना होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, अगर आपने आवेदन फॉर्म नहीं लगाया तो भी आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। फिर आप बाद में कहेंगे हमने तो ये सब कंडीशन फिलफिल की थी, फार्म क्यों निरस्त हुआ। अगर एक भी जो है आपके फार्म में चूक होती है तो फार्म निरस्त कर दिया जाएगा। जो गाइडलाइन इसके अनुसार आपको फार्म में डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, साथ ही यदि फार्म में शैक्षिक योग्यता समेत अन्य जरूरी प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया तो भी आवेदन निरस्त माना जाएगा। तो ये प्रमुख जानकारियाँ थी जो हमने आपके सामने शेयर की। जो नियम है उस नियम के अनुसार ही फार्म बनने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं फार्म के हिसाब से। एंड बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि हम इतनी डेट पूरी नहीं कर रहे हैं, हमसे कम उम्र में हैं, तो आपको बता दें कम उम्र वाले नहीं चलेंगे। जो मानक है वो मानक के अनुसार आपकी जो है जन्म तिथि जो रखी गई उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जितना मांगा गया 18 साल 20 साल 21 साल जो मांगा गया उस हिसाब से आपकी होना चाहिए। अगर नहीं है कम है तो आप मत करिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है।
समय उठाएं, पैसा आपका बर्बाद होगा।